बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एमसीक्यूज, ठीक है, और डायग्नोस्टिक पॉइंट्स भी। अब हम देखेंगे लेफ्ट हार्ट फेलियर कब होता है, अगर क्या क्या सिम्टम हमें शो, डिस्निया, फटीक, कफ, नॉक्टर्नल, प्लूरल इफ्यूएन, लेफ्ट साइड ही जाना तो लंग्स वाले सिम्टम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें थर्ड हार्ट साउंड मिलती है, लाउड P2 और कार्डियोमेगैली। अब राइट साइड पर क्या होता है, लीवर होता है, तो राइट साइड पर पेन होगी, JVP रेज होगा, एडिमा होगा, हेपेटोमेगैली होगी, ठीक है। उसके बाद कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में दोनों सिम्टम्स होंगे, फर्मिंगन क्राइटेरिया मस्ट डू, ये भी बुक से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरस जो होता है वो, उसमें चेस्ट पेन होती है, डिस्निया होता है, इसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन होती है और ये सबलिंगुअल नाइट्रेट से रिलीव करती है, ठीक है। ओनली एंजाइना जो कि ST एलिवेशन होती है वो प्रिंस मेंटल होता है। अगर तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है उसकी पेन 30 मिनट से ज़्यादा रहती है तो वो ST एलिवेटेड होता है, उसके अंदर ST एलिवेशन होती है, कार्डिक एंजाइम होती है, TVF की इन्वर्जन होती है और ये नाइट्रोग्लिसरीन से भी रिलीव नहीं करता, ठीक है। रोमेटिक फीवर जो है ये 5 से 17 एज पे रहता है, फीवर, एनोरेक्सिया, जॉइंट फॉर्म होंगे और पेनफुल इन्वॉल्विंग एंकल्स, एल्बो और रिस्ट, ठीक है। पोलियार्थराइटिस होता है, चेस्ट पेन होती है, मर्मर और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है, ESR रेज हुआ होता है, ASO टाइटर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके अलावा ड्यूकेन जोन क्राइटेरिया भी हम करेंगे। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है इसमें डेंटल ट्रीटमेंट की हिस्ट्री होगी, फीवर, आपने रोमेटिक फीवर में भी फीवर था, एनोरेक्सिया था, लेकिन यहाँ पे जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, साथ में PR इंटरवल प्रोलॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेंटल ट्रीटमेंट, वेट लॉस, क्लबिंग, स्पिनोमेगैली दी होगी, हिमाचूरिया होगा, स्किन लियन, पिटिकिया, ओसलर नोड्यूल्स होंगे। इसके अलावा इसके अंदर मर्मर ऑफ नियोकाइन यानी कि डायस्टोलिक और पेनसिस्टोलिक हो सकता है। माइट्रोस्टेनोसिस के अंदर S1 जो साउंड होती है ना वो लाउड होती है और जो इसमें मिड डायस्टोलिक मर्मर होते हैं, ठीक है, ओपनिंग स्टैप मिलती है S2 पे। इसके अलावा जो माइट्रो रिकर्जिटेशन होती है इसके अंदर डिस्प्लेस एपिक्स बीट और पेनसिस्टोलिक मर्मर प्लस सॉफ्ट SN और S3 होती है। इसके अलावा इसमें एक्जिला में भी रेडिएट कर रहे होते हैं मर्मर, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, क्लिक मर्मर्स होते हैं, सिस्टोलिक इजेक्शन और स्लो राइजिंग पल्स होती है। एओर्टिक रिकर्जिटेशन के अंदर डिस्प्लेस एपिक्स बीट और कोलैप्सिंग बाउंडिंग वाटर हैमर मिलती है हमें, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस पेन एग्रेवेटेड बाय द चेंज ऑफ द पोस्चर एंड द स्वेलिंग, ये नेक और शोल्डर की तरफ इसकी पेन रेडिएट करती है, फ्रिक्शन रब मिलती है और CPR इसमें 30:2। इसमें आपने प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो देना होता है वो करते हैं, हम मैनेज करते हैं। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर तो मर्मर जो है वो नेक की तरफ रेडिएट करे तो इट्स मीन एओर्टिक स्टेनोसिस है, अगर एक्जिला की तरफ रेडिएट करे तो इट्स मीन माइट्रो रिकर्जिटेशन है। पल्सेस पैराडॉक्सिस ये होती है कि अगर इंसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंस्पिरेशन पे ज़्यादा हो जाए, ये किसमें होता है, एओर्टिक रिकर्जिटेशन के अंदर, और पी वेव किसमें एबसेंट होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सार टूथ वेव आपको किसमें मिलती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, सॉरी पी वेव एबसेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, और सार टूथ वेव मिलती है फ्लटर के अंदर, और यू वेव मिलती है हाइपोकैलेमिया में। वैसोस्पेस्टिक एंजाइना के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, डायलेट कर देती है। स्टेबल एंजाइना के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमन एनोरिज्म में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व जो होती है आर्टरी वो एओर्टा होती है, देन द पोप्लीटियल। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए फेमोरल वेन होती है, वेज शेप एरिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बनता है। DVT की मोस्ट कॉमन कॉज जो है पोप्लीटियल है। पेरिफ्रिक्शन रब जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में होती है, इसकी पेन रिलीफ होती है बाय द एनसेड। ग्लोबुलर हार्ट जो होता है और ट्यूबुलर शेप हार्ट में पेरिकार्डियल इफ्यूएन में मिलता है। रेडियो फेमोरल ड्रेक एक्टेशन ऑफ एओर्टा में PDA के अंदर इंडोमेथासिन देते हैं, ड्रग मेंटेनिंग द ओपनिंग ऑफ द PDA, मिसोप्रोस्टोल। इसके अलावा ये S1Q3 पैटर्न हमें मिलता है किसके अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, क्लबिंग विद स्प्लीनोमेगैली और विद अ मर्मर, इसमें होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में सबसे कॉमन अभी ड्रग यूजर में स्टेफोरियस होता है। कार्डिक डिफेक्ट रुबेला के अंदर PDA होता है। टर्नर के अंदर कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है, ठीक है। फिगर ऑफ थ्री, अगर थ्री हमें मिलेगा तो इसका मतलब है कि कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा फिगर ऑफ एट है, ये टोटल एनोमलीस पल्मोनरी वेन के लिए होता है, ठीक है। एनोमली होती है पल्मोनरी वेन की, पेन इन द एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग विद द हिस्ट्री ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर एब्डोमेन में पेन है आफ्टर ईटिंग खाने के बाद विद द हिस्ट्री ऑफ द CSD तो क्या होगा, एक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया, आर्टरी इन्वॉल्विंग एक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया, स्पेरियम मेसेंटेरिक में आर्टरी होती है। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट जो है डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, सेप्टल इफेक्ट होते हैं, तो उधर आर्टरी सेप्टल होगा तो यही बूट से बॉक्सर शेप हार्ट जो होता है वो एब्सेंट एनोमली में होता है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होती है वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होती है। मोस्ट कॉमन रिमेटिक हार्ट डिजीज में सबसे ज्यादा जो हार्ट वॉल्व इन्वॉल्व होता है माइट्रल होता है, ये कंफ्यूज करते हैं कि एओर्टिक होगा हमारे, इसमें माइट्रल होता है, माइट्रल आपने याद रखा है, रोमेटिक में आता है तो ये माइट्रल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर एनी पेशेंट विद अ फीवर प्लस स्प्लीनोमेगैली इट्स मीन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है। अगर चेस्ट पेन है और साथ में ST एलिवेशन मिल रही है, कार्डिक मार्कर नेगेटिव है, तो इट्स मीन क्या होगा, प्रिंस मेंटल एंजाइना। चेस्ट पेन और ST एलिवेशन हमें किसमें मिलती है, एंजाइना के अंदर। पेन प्लस ST एलिवेशन ट्रोपोनिन पॉजिटिव है, इसमें ST एलिवेशन MI हुआ है, ठीक है। पेन हो प्लस नोट ST एलिवेशन ट्रोपोनिन पॉजिटिव हो, इट्स मीन नॉन स्टेमी है, ठीक है। इसके अंदर जो MI होता है ना, उसके अंदर एक तो ST एलिवेशन होती है, एक में नहीं होती, जिसके अंदर होती है उसके अंदर आपको क्या होगा, ट्रोपोनिन पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ST एलिवेशन होगी, जबकि नॉन स्टेमी के अंदर ट्रोपोनिन तो मार्कर पॉजिटिव होंगे लेकिन ST एलिवेशन नहीं होगी, लेकिन जो एंजाइना है उसके अंदर कार्डिक मार्कर आपको नहीं मिलेंगे, साथ में ST एलिवेशन होगी, तो इट्स मीन प्रिंस मेंटल एंजाइना। पेन लॉन्ग ड्यूरेशन की हो, साथ में नो ST एलिवेशन, नो कार्डिक बायोमार्कर, इट्स मीन अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना हो प्लस ST एलिवेशन या फिर नॉन सेगमेंट ST एलिवेशन हो, तो इट्स मीन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। इसके अलावा जो अनस्टेबल और नॉन ST एलिवेशन के अंदर आपने क्या देनी होती है, हेपरिन दे सकते हैं, लेकिन ST एलिवेशन में आपने नहीं देनी, ठीक है।
टिशू प्लाज्मिनोजिन ओनली गिवन है, टिशू प्लाज्मिनोजिन जो होते हैं वो आपने सिर्फ स्टेमी में देने हैं, इसका अनस्टेबल में कोई रोल नहीं होता। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में आपको कैन एंड एवी मिलती है, ठीक है। इफ सिनेरियो कम डेट अ यंग मैन डाइड सडनली वाइल प्लेइंग वन थिंग मस्ट कम, अगर तो एक बंदा अचानक से कोई भी बच्चा है तो खेलते हुए उसकी फौरन से डेथ होगी, इट्स मीन उसे हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी थी, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस प्लस हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी थी कैन ओनली बी डिफरेंशिएटेड बाय द पल्स, जबकि पल्स जो है वो ज़्यादातर किसके अंदर होती है हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, जबकि एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है पल्सिस प्लेट्यू मिलता है हमें, जबकि पल्स किसमें होगी हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में सेम पिक्चर सिरोसिस जैसी होगी, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इसके अंदर एलिवेटेड जीवी भी होगी विद कॉस्मल साइन एंड द पेरिकार्डियल नोड, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस जो होती है वो कोक्सैकी वायरस होता है। एवरीवन नो द कॉज ऑफ रेडियो फेमोरल डिले जो होता है वो कोएक्टेशन में होता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्वायर्ड बर्न जो है ये टाकायासु होता है। नेक्स्ट अ पेशेंट आफ्टर द प्रोस्थेटिक हार्ट वाल रिप्लेसमेंट डेवलप द फीवर एंड द न्यू मर्मर गिव ट्रिपल कवर, ट्रिपल कवर आप क्या देंगे प्रोस्थेटिक हमें जेंटा वेंको प्लस रिफेम्पिन, ठीक है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द इन्फेक्टिव आप ब्लड कल्चर लेते हैं, अगर स्ट्रेप्टोकोकस को आप हो तो एंडोस्कोपी करते हैं ताकि कोलन कार्सिनोमा को रूल आउट करें। इफ देर आर ओनली टू क्राइटेरिया फॉर गिविंग प्रोफाइल एक्सेस अगेंस्ट द इन्फेक्टिव बैक्टीरिया प्रोसीजर और अंडरलाइंग हार्ट डिजीज, अ पेशेंट ऑफ 15 ईयर ओल्ड डेवलप फीवर प्लस सोर थ्रोट आफ्टर सम डेज डेवलप द मिड डायस्टोलिक मर्मर प्लस क्या हो मिड डायस्टोलिक मर्मर और कोरिया हो। मिड डायस्टोलिक मर्मर आपको पता है कि इसमें होता है माइटोस्टेनोसिस में, इसके अलावा उसमें उसको फीवर भी है, सोर थ्रोट भी है, इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज होगी। इसका जो माइटोस्टेनोसिस के अंदर कैरेकोम मर्मर होता है ड्यू टू द वेल्वेलाइटिस फीवर, रूमेटिक फीवर की वजह से जो मर्मर होगा उसे कैरेकोम मर्मर कहते हैं, और जो माइटोस्टेनोसिस होता है ना ऑलमोस्ट 10 ईयर लेता है टू डेवलप, जबकि रूमेटिक फीवर मिड डायस्टोलिक मर्मर इसलिए यहाँ पे कैरेकोम मर्मर आएगा, ठीक है। टारगेट ब्लड प्रेशर डायबिटीज मेलिटस में 130 बाय 80 होना चाहिए, एओर्टिक एनोरिज्म इमरजेंसी सर्जरी नीडेड व्हेन इट्स साइज एक्सीड ग्रेटर दैन 5.5 सेंटीमीटर, डांसिंग कैरोटिड जो साइन है वो एओर्टिक रीगर्जिटेशन का है, ठीक है। इसे हम फनी साइन कहते हैं, पिस्टल शूट साइन भी कहते हैं। माइटोस्टेनोसिस डू नॉट फॉर गिव एनी स्पेशलिटी आ गायनी पेशेंट बिकम ब्रेथलेस विद दिस, सम पेशेंट कम टू द पल्मो वर्ल्ड विद द हेमोपेटिसिस, गायनी के अंदर ये ब्रेथलेसनेस के साथ आते हैं, ठीक है, पल्मों के अंदर हेमोपेटिसिस के साथ, जीआईटी के अंदर डिस्फेजिया के साथ, और पेशेंट कम एट द कार्डियो अनकॉन्शियस ड्यू टू द एट्रियल फिब्रिलेशन स्ट्रोक हो सकता है। आपने एस्पिरिन स्टेंटिंग एटल प्लेस बीटा ब्लॉकर और ये सारे क्या करते हैं एमआई की मोर्टेलिटी को कम करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करता है। जब ईसीजी एरिथमिया हो बीपी लो हो तो आप क्या करते हैं रूल ऑफ थंब पे पैक करते हैं और कार्डियोवैयन करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या रेट कंट्रोल करते हैं बाय दी बीटा ब्लॉकर एंड रिदम बाय दी कार्डियोवैयन आफ्टर द हेपराइजेशन यूज करेंगे वारफिन जब ये सीएचडी स्कोर ग्रेटर देन 2 हो। फर्स्ट एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के अंदर बेस्ट स्टेप जो होता है ऑक्सीजन है, और क्रॉनिक के अंदर सबसे पहले आपने फेरासेमाइड देनी होती है डायुरेटिक्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ आफ्टर द एमआई इज अरिथमिया स्पेशली द वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, न्यू मर्मर आफ्टर द एमआई विद द स्टेप अप ऑक्सीजन सैचुरेशन थिंक अबाउट द रप्चर ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ द पेसमेकर प्लेसमेंट इज द सिक्स साइनस सिंड्रोम, अ पेशेंट ऑफ द आरटीएस सेप्टम डेवलप द रूमेटिक हार्ट डिजीज, दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड द ल्यूटेनबेंचर सिंड्रोम कहते हैं। अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज के बाद उसको आरटीएस सेप्टम डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा ल्यूटेनबेंचर सिंड्रोम, ठीक है। पेशेंट ऑफ द 45 ईयर ओल्ड डेवलप द फीवर, नो कॉज वाज फाउंड, बट ऑन द केयरफुल ऑस्कल्टेशन अ डायस्टोलिक पॉप प्लॉप इज प्रेजेंट विद अ लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज अ चेंजिंग फ्रॉम द सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक, उन्होंने कहा सिस्टोलिक से डायस्टोलिक क्या चीज चेंज करेगी एट्रियल मिक्सोमा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा ऑफ द हार्ट फेलियर द पल्मोनरी वेज प्रेशर विल बी रेज, इट विल बी नॉर्मल ड्यू टू द नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, उन्होंने कहा अगर तो हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडिमा हुआ है तो उसमें पल्मोनरी वेज प्रेशर नॉर्मल होगा, अगर तो इसकी वजह से नहीं हुआ तो वो नॉर्मल होगा, अगर पल्मोनरी एडिमा की वजह से हुआ तो पल्मोनरी प्रेशर रेज होगा। आईवी यूजर के अंदर मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया पैथोजन स्टेफोलियस होता है। एम्बुलेंस के लिए टेस्ट करना होता है डी डायमर चेक करते हैं, फेशियल फ्लशिंग हो तो इट्स मीन इन्वेजन ऑफ कार्सिनोमा टू द स्पिगिवेन के बाद, ठीक है। डोज ऑफ सेट्राइक्सोन 2 ग्राम देते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की ट्रीटमेंट जो होती है कार्डियोवैयन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द लिफ्ट फिटिंग ईसीजी करवाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक शॉप और जब वाइट डिसेंट आता है इट्स मीन कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, लाइफ सेविंग ड्रग कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर एसी इनहिबिटर्स होती है, ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स फॉर लाइंग डाउन आफ्टर द एमआई एनसेड देते हैं पेरिकार्डाइटिस में, पेशेंट फ्री ऑफ एंजाइना आफ्टर द सीबीजी 90% विद इन 1 ईयर, ठीक है। न्यू स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक आफ्टर द वेसल प्रेशर एंटीप्लेटलेट इसमें डाइजोक्सिन देते हैं शॉक के अंदर, ठीक है। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस रूमेटिक फीवर में होता है। एपिक्स बीक जो है वो बीट जो है वो डिस्प्लेस हो जाए और साथ में फेंटिंग हार्ट हो इसमें राइट वेंट्रिकुलर डायलेट हो गया, ड्रग कॉजिंग का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर द हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्चर एसी इनहिबिटर प्लस डायुरेटिक्स है, ठीक है। अगर एंजाइना हो प्लस सिंकोपी हो तो एओर्टिक स्टेनोसिस होगा, एएस और टाइटोमेटिक फीवर में इंक्रीज होता है, और न्यू हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो और कार्डियोवैयन हो तो आपने टैकीकार्डिया के लिए ट्रीट करने के लिए कौन से एमोडोरन देते हैं। ईसीजी चेंजेस हो हाइपरमैग्नीसीमिया में के अंदर क्यूटी प्रोलोंगेशन होती है, मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक अरेंज द पेसमेकर। नेक्स्ट पास्ट हिस्ट्री ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेजेंट विद एक्यूट एब्डोमिन इट्स मीन इस्कीमिक कोलाइटिस है, मेजर क्राइटेरिया रूमेटिक फीवर के अंदर कार्डाइटिस आता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट वही कार्डियोवैयन होता है। इसमें वो कह रहे हैं वेंट्रिकल एट्रियल फिब्रिलेशन था, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में आपने सीपीआर और डी फिब्रिलेटर देते हैं जबकि कार्डियोवैयन को अवॉइड करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में कार्डियोवैयन देते हैं। फीवर प्लस जॉइंट स्वेलिंग का पर्पस इसमें रूमेटिक कोरिया है, फ्रैक्चर ऑफ द हाइपरट्रॉफिक का फीचर ऑफ द हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का क्या होता है एंटीरियर मोशन ऑफ द माइट्रल वॉल होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने पढ़ा था जर्की पल्स हमें मिलती है, एमआई का कार्डिक एंजाइम रेज फर्स्टली जो आपकी बॉडी के अंदर एमआई के अंदर रेज होता है वो मायोग्लोबिन होता है, कॉज ऑफ द एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोलिक यंग बॉय एंजाइटी।
पेन रेडिएटिंग टू द बैक अगर स्कैपुलम जा रही है, इट्स मीन एओर्टिक डिसेक्शन है। हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस लूप डायुरेटिक्स होते हैं। रैनोड फेनोमेना के लिए नेफेडिपिन होती है। और कैनन वेव्स आपको थर्ड डिग्री ब्लॉक में मिलेंगी। ओपनिंग स्नैप माइटोस्टेनोसिस में होता है। एमआई को थ्रोम्बोलाइसिस और पेशेंट अनकॉन्शियस, तो इसे क्या करते हैं, रिपरफियन एरिथमिया। प्रोलॉन्ग क्यूटी किस में मिलता है, वेंट्रिकल एरिथमिया में।